हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ह्यूज मीशो हॉल। फेस्टिव सीजन चल रहा है और मीशो पर लगी है बहुत ही धमाकेदार सेल, तो मीशो से मैंने मंगाए हैं बहुत सारे किचन और होम रिलेटेड आइटम्स, तो वही आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। काफी यूजफुल वीडियो होने वाली है आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आइटम है ये लॉन्ड्री क्लीनिंग ब्रश। ये लॉन्ड्री क्लीनिंग ब्रश है और ये मुझे 3 के सेट में मिला था। इसमें यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा ग्रिप दिया हुआ है, तो इजीली आप इसको पकड़कर किसी भी स्टफ को क्लीन कर सकते हैं। तो दिवाली के टाइम पर ये काफी ज्यादा काम आने वाला है। आप इसे अपना सोफा, अपना कारपेट, अपनी कार, अपने कर्टन्स वगैरह क्लीन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसे वेट और ड्राई दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। ये मुझे सेट ऑफ 3 में मिला था, 2 मैंने इधर उधर ठिकाने पर लगा दिए हैं और ये वाला मैंने वीडियो में दिखाने के लिए बचा रखा था। नेक्स्ट मैंने खरीदे हैं ये जिपलॉक बैग। इन पाउचेस में आप अपनी ग्रोसरी को स्टोर करके रख सकते हैं। ये फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, तो इसमें आप अपनी वेजिटेबल्स, पत्ते वाली सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, धनिया पुदीना वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं, तो देखने में भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और काफ़ी टाइम तक ये फ्रेश भी रहते हैं। तो मैंने 10 का पैक मंगाया है, जितने भी मेरे फ्रिज में यूज़ होंगे उतना मैं यूज़ कर लूँगी, बाकी मैं इसे बच्चों की स्टेशनरी, स्क्रंचीज या दूसरे छोटे मोटे सामान जो इधर उधर हम मिस कर देते हैं, खो देते हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए मैं इन्हें यूज़ कर लूँगी। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे यूज़फुल लगा और ये वाटरप्रूफ भी है, तो मॉइस्चर जाने का इसमें बहुत ही कम खतरा है, तो आप इसमें चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट्स भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा था, तो इसलिए मैंने इसे खरीदा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये हैंगर। तो ये बेसिकली एक किचन हैंगर है, इसको आप अपने किचन के स्लैब के ऊपर लगा सकते हैं, सॉरी स्लैब के ऊपर नहीं, किचन के ड्रावर्स के अंदर लगा सकते हैं। कबर्ड के अंदर भी ये बहुत इजीली लग जाता है, तो इसको लगाने के लिए आपको कोई भी ड्रिल करने की या कीले ठोकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बहुत आसानी से लग जाता है और आप इसके ऊपर अपना कोई भी सामान लटका सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो आप इसमें अपने कप होल्ड कर सकते हैं, अपने मग्स इसके अंदर लटका सकते हैं और इजी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो आप अपने टॉवल्स और डस्टर्स वगैरह होते हैं वो इस पे टांग सकते हैं, या फिर अपने चमचे, कड़छी, चिमटे और ऐसी चीज़ें जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब हमें ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है, तो एक जगह पर आप इसको टांग सकते हैं और वहाँ से आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आइटम जो मैंने परचेज किया है वो है ये घी पॉट। तो ये है बहुत ही ब्यूटीफुल सा घी पॉट, इसके अंदर आप अपना घी या रिफाइंड ऑयल या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप यूज़ करते हैं वो इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का है, इसमें आपको ये एक छोटा सा ढक्कन मिलता है और इसके लिड पर ये छोटा सा पकड़ने के लिए स्टैंड भी दिया हुआ है, तो आप इजीली इसको पकड़कर ढक्कन को उठा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक स्पून भी दिया गया है, तो इस चम्मच की हेल्प से आप अपने पॉट के अंदर से घी या ऑयल वगैरह निकाल सकते हैं और इजीली यूज़ कर सकते हैं। अंदर से ये कुछ इस तरीके का है, इसकी कैपेसिटी है 500 ml, यानी आधा लीटर के करीब आपका इसमें घी या तेल इजीली आ जाएगा। तो ये देखने में मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था और इसके ढक्कन के अंदर ना यहाँ पर एक छोटी सी कैविटी दी गई है, तो इसकी हेल्प से ढक्कन इसके अंदर से इस तरीके से आर पार हो जाता है और आराम से इस तरीके से पूरा ढक्कन कवर हो जाता है। आप चाहें तो इस तरीके के पॉट्स को आप अपने पूजा घर में भी रख सकते हैं, इसमें देसी घी डालकर आप अपने मंदिर में भी इसको रख सकते हैं। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, इतनी ज़्यादा हल्की नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ये लाइट वेट है मगर ये उतना ज़्यादा भी हल्का नहीं है कि बचता रहे, तो काफ़ी स्टर्डी है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी और लुक वाइज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये पॉट सेट ऑफ 2 में भी अवेलेबल था, इसका प्राइस था, सेट ऑफ 2 का प्राइस था 261 रुपीज, मगर मुझे एक सिंगल पीस ही चाहिए था क्योंकि मैं इसे ट्राई करके देखना चाहती थी। तो नेक्स्ट आइटम जो मैंने परचेज किया है वो है ये बटर बॉक्स। तो ये है बहुत क्यूट सा बटर बॉक्स या बटर डिश। तो मेरे घर में बटर बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, सबको बहुत ही ज्यादा पसंद है, स्पेशली बच्चों को, तो मुझे बटर का बड़ा वाला पैक लेके आना पड़ता है जो कि 500 ग्राम्स वाला होता है, आधा किलो का। तो जब भी हम उस बटर को फ्रिज में रखते हैं और वो जो बटर होता है वो आसपास की चीज़ों पर लगता रहता है और काफ़ी मैसी सा लगता है, तो काफ़ी टाइम से मैं इस टाइप की बटर डिश लेना चाहती थी ताकि बटर इसके अंदर सेफ रहे। तो इस बटर बॉक्स में आपको मिलती है सबसे पहले एक लिड, इसके बाद आपको मिलती है इस तरह की एक ट्रे और लास्ट में ये नीचे वाला बेस। तो बेसिकली आपको इस ट्रे के अंदर
इस वाली ट्रे को लगा देना है। इस ट्रे के अंदर ऐसे ऐसे छोटे से ना कट्स बने हुए हैं इस टाइप के, इस साइड पर भी इस तरीके से कट बने हुए हैं दोनों साइड पर। तो इस बटर डिश के अंदर जब आप इस प्लेट को ऐसे रख देते हैं, उसके बाद आप इस पर अपना बटर रखते हैं, तो आप इन सेक्शंस में से नाइफ की हेल्प से अपने बटर को पहले से ही कट करके रख देते हैं, रख सकते हैं। तो इससे काफी इवन पीसेस हो जाएंगे आपके बटर के, और बटर काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन लगेगा, मैसी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप इजीली बटर के पीसेस इससे कर सकते हैं, और अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जितना आपको चाहिए उतने पीसेस बटर के इसमें से निकाल सकते हैं। उसके बाद आप इसे इस तरीके से लिड से कवर कर सकते हैं, तो वो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा और बिल्कुल भी मैसी नहीं लगेगा, और आसपास की चीजों पर बिल्कुल भी बटर टच नहीं होगा। और ये इसकी जो लिड है वो ट्रांसपेरेंट है, तो आपको इजिली पता चल जाएगा कि आपका बटर कहाँ पर रखा है। और फ्रिज ऑर्गेनाइज करने के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा मुझे यूजफुल लगा। तो देखते हैं कि ये कैसा काम करता है। अभी तक मैंने इनमें से कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, जैसे जैसे मैं यूज करती रहूंगी तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। साथ ही मैं इनके मिनी रिव्यूज भी शॉर्ट्स पर अपलोड कर दूंगी, तो आप चाहें तो आप वहां से भी इनको चेक कर सकते हैं। इस बटर बॉक्स में और काफी सारे डिजाइन और काफी सारे वैरायटी मौजूद थी, मगर मुझे ये ही वाला चाहिए था क्योंकि इसमें इजी कट करने के लिए डिजाइन दिया गया था। तो मैंने सोचा मैं पहले इसको ट्राई करके देखती हूँ, तो देखते हैं कैसा काम करता है। नेक्स्ट आइटम जो मैंने परचेज किया है वो भी किचन के लिए है। तो नेक्स्ट है ये सिलिकॉन मैट। तो ये सिलिकॉन मैट है, इसको आप रोटी बेलने के लिए यूज कर सकते हैं। ये हीट रेजिस्टेंट सिलिकॉन की शीट है और इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। मैंने जो रिव्यूज देखे थे उसमें ये काफी ज्यादा पतली दिख रही थी, इतनी ट्रांसपेरेंट थी कि इसके आर पार की चीजें जो थी वो दिखाई दे रही थी, मगर मुझे जो शीट रिसीव हुई है वो इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसके अंदर से मेरा हाथ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसकी क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। तो ये कुछ इस टाइप की सिलिकॉन शीट है। हाँ, तो इसकी चारों साइड्स पर स्केल की तरह मेजरमेंट दी गई है, तो आप अपने रेसिपी के अकॉर्डिंग 1/2 इंच के या फिर 1 इंच के या फिर कुछ सेंटीमीटर्स के डो कट कर सकते हैं। इसके सेंटर में कुछ इस तरीके से ये सर्कल बने हुए हैं, और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी रोटी को या फिर अपनी जो भी आप डिश बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने डो को बेल सकते हैं। जैसे कि 6 इंच की रोटी या 7 इंच की या 10 इंच की आपको वो रोटी चाहिए या बेस चाहिए, तो वो आप इसे इजीली मेजर कर सकते हैं और अपनी रेसिपी बना सकते हैं। ये बहुत ही छोटी सी सिलिकॉन शीट है, तो इसके को आप रोटी बेलने के लिए यूज कर सकते हैं, डो बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, पिज्जा बेस या फिर गुजिया वगैरह मोमोज बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। इस पे सारे साइज और मेजरमेंट्स दी गई है। देखने में भी ये काफी ज्यादा सुंदर लगती है, काफी मॉडर्न टाइप की चीज है, चकला बेलन की रिप्लेसमेंट है। अगर आपका चकला बेलन स्लिप करता है उसके नीचे हम लोग वैसे भी कपड़ा लगाते हैं, तो आप ये मैट बिछाकर चकला बेलन भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेगा। काफी अच्छी इसकी ग्रिप है और ये किचन के स्लैब पर बहुत ही अच्छे से स्टिक हो जाता है, बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। इसे यूज करने के बाद आप इसे बहुत इजीली आराम से फोल्ड कर सकते हैं, और इसको फोल्ड करके किसी भी छोटी सी जगह पर ये बहुत इजीली आ जाएगा। देखिए कितना छोटा सा ये हो गया है, तो बिल्कुल भी ये जगह को कंज्यूम नहीं करेगा। किसी भी कोने में, किसी भी शेल्फ में आप इसको आराम से रख सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा मुझे यूजफुल लगा। अभी तक मैंने इसको भी यूज़ नहीं किया है, तो जब मैं इसे यूज़ करूँगी तो उसका रिव्यू भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसको लेने के लिए मैं एक तरह से मरे जा रही थी, तो अभी मुझे मिल गया वीडियो बनाने के चक्कर में। मैंने अभी तक इसे यूज़ नहीं किया है, आज मैं इसको यूज़ करूँगी और मैं आपके साथ शॉर्ट में शेयर करूँगी कि मुझे ये कैसा लगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये फ्रिज कंटेनर। तो नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किए हैं ये फ्रिज ऑर्गेनाइजर या स्टोरेज कंटेनर्स। तो ये इस टाइप के रेक्टेंगुलर टाइप के स्टोरेज कंटेनर्स हैं। मैंने पैक ऑफ 6 ऑर्डर किया था, तो ये कुछ इस टाइप के हैं। साइज भी इनका काफी ज्यादा अच्छा है, मेरे पूरे हाथ के बराबर है, और ये रेक्टेंगुलर टाइप के हैं। इनके साथ आपको मिलती है कुछ इस तरीके की लिड जो कि एयर टाइट है, और इस तरीके का आपको एक ये जाली भी मिलती है, और इसके नीचे छोटे छोटे से स्टैंड लगे हुए हैं। तो जब आप इसको अपने कंटेनर के अंदर रखते हैं तो ये सरफेस से बिल्कुल भी टच नहीं होता, थोड़ा सा गैप होता है इस जाली के और कंटेनर के बीच में। तो जब आप इसके अंदर अपनी वेजिटेबल्स रखते हैं तो पानी जो है, मॉइस्चर जो है, वो ड्रेन होकर नीचे चला जाता है और वेजिटेबल्स ड्राई रहती है। तो ये स्टोरेज कंटेनर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे थे, मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को इनको यूज़ करते हुए देखा था और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे। अमेजोन पर भी मैंने इसको देखा था, मगर अमेजोन पर ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था। तो इस टाइप के कंटेनर मैं अपने फ्रिज के लिए लेना चाहती थी,
हम लोग हफ्ते भर की वेजिटेबल्स एक बार ही लेकर आ जाते हैं और वो पॉलिथीनों में बांध कर हम लोग रख देते हैं, तो काफ़ी बार वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, उनमें मॉइस्चर आ जाता है और वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इस टाइप के कंटेनर्स जो हैं वो वेजिटेबल्स के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। वैसे आप इनको मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें वेजिटेबल्स ही यूज़ करें, मगर मैंने स्पेशली इनको अपने फ्रिज के लिए, स्टोरेज के लिए यूज़ करने के लिए ख़रीदा है। तो इस टाइप के कंटेनर्स में आप अपनी वेजिटेबल्स, टोमेटो या लंबी वाली जो वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कि मूली, भिंडी, गाजर वगैरह जो है वो रख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो आप इसमें लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं, पालक, मेथी और ऐसी चीज़ें भी इसमें रख सकते हैं। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगे और इसकी जो लिड है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छे से ये क्लोज हो जाती है और बिल्कुल भी हिलती नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है। और इसका प्लास्टिक की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा मुझे ये प्रोडक्ट। तो मुझे ये कंटेनर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। अमेज़ॉन पर इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था, मीशो पर मुझे ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर मिल गए। तो अगर आप भी अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो इस तरीके के कंटेनर खरीद सकते हैं। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आए और मैं आपको इन्हें हाईली रिकमेंड करती हूँ। तो अब आ गया है बड़ा वाला डब्बा। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किए हैं वो है ये बहुत ही सुंदर से स्टोरेज कंटेनर्स। तो ये कुछ इस टाइप के स्टोरेज कंटेनर्स हैं, कुछ इस तरीके की इनकी लिड है और ये इस टाइप के प्लास्टिक कंटेनर्स हैं। तो इनको आप अपने मिर्च मसाले, दाल चावल, ग्रोसरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हार्ड प्लास्टिक के बने हैं और देखने में ये कांच की तरह लग रहे थे। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं कांच की चीज़ें इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि बच्चों को चोट लगने का खतरा होता है, तो इसलिए मैं इस टाइप के कंटेनर्स यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले मैं न्यासा के डब्बे यूज़ कर रही थी, वो भी मुझे काफ़ी पसंद थे, मगर थोड़ा सा मैं अपनी किचन को अपग्रेड कर रही थी। दिवाली का टाइम है तो सब अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो मैं भी अपने किचन को मेकओवर दे रही हूँ, तो इसलिए मैंने इस बार इस टाइप के कंटेनर्स खरीदे हैं। तो ये लुकवाइज ग्लास के लग रहे थे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और इसकी लिड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये ट्रांसपेरेंट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा मुझे क्लासी लग रहा था और इसका जो ढक्कन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है और इसके ढक्कन के अंदर इस तरीके से ये सिलिकॉन की गास्केट लगी हुई है, तो इससे डब्बे अच्छे से एयरटाइट हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। इस कंटेनर की क्वांटिटी है 500 ml और मैंने ये 12 पीस का सेट मंगाया है। कई बार हम किचन में ऐसे सामान यूज़ करते हैं जो कि क्वांटिटी में हम कम यूज़ करते हैं या फिर कम बनाते हैं, जैसे कि हम स्पेशल कोई मसाला पीस के रखते हैं तो उसके लिए हमें बड़े डिब्बों की ज़रूरत नहीं होती, तो छोटे डिब्बे उस काम आते हैं। जैसे कि सूजी मेरे घर में बहुत ही कम क्वांटिटी में आती है, तो सूजी के लिए या चीनी के लिए, चाय पत्ती के लिए या चाट मसाले होते हैं उनके लिए, इस टाइप के कम क्वांटिटी वाले जो सामान होते हैं उनके लिए मैंने इन कंटेनर्स को मंगाया था। इसके अलावा आप चाहें तो आप इन कंटेनर्स को फ्रिज में भी सामान स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप चटनी वगैरह बना के रख सकते हैं, सॉसेस बना के रख सकते हैं, जूस, प्यूरी या कुछ पीस के आपको रखना है तो वो भी आप इसके अंदर डालकर फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। ये कंटेनर्स ट्रांसपेरेंट है, फूड ग्रेड प्लास्टिक के बने हैं, अनब्रेकेबल है और ये फ्रीजर सेफ है। आप इनको ओवन में यूज नहीं कर सकते हैं तो फ्रीजर में आप इसे डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे मुझे ये कंटेनर्स, तो मैंने इसको खरीद लिया और ये मुझे इतने अच्छे लगे कि मैंने इनका बड़ा साइज भी खरीद लिया है, जो कि मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ। लास्ट प्रोडक्ट जो मैंने मीशो से खरीदा है वो है अगेन स्टोरेज कंटेनर्स और ये भी है सेट ऑफ 12 और ये है कुछ इस टाइप के स्टोरेज कंटेनर्स। इनकी कैपेसिटी है 1100 ml और ये भी ट्रांसपेरेंट है और बहुत ही गुड क्वालिटी प्लास्टिक के बने हैं और इनके साथ भी आती है एयरटाइट लिड और इसके अंदर भी लगी हुई है सिलिकॉन की गास्केट जो कि इन कंटेनर्स को अच्छे से लॉक कर देती है और इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं जाएगा और आपका सामान जो है एयरटाइट होकर काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहेगा। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया ये छोटे वाले कंटेनर्स, ये इसी का ही बड़ा रूप है, तो मुझे ये दोनों कंटेनर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने परचेज किया। इन बड़े वालों को मैंने अपनी ग्रोसरी को स्टोर करने के लिए ख़रीदा है, जैसे कि हमारे डिफरेंट टाइप के दालें आती हैं, छोले, राजमा और जो सामान हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं उनके लिए, बेसन हो गया या कुछ मैदा वगैरह, तो उन सब के लिए मैंने ये बड़े वाले कंटेनर खरीदे हैं। बेसिकली अपने पल्सेस के लिए, दाल, छोले, राजमा, इनके लिए मैंने इनको परचेज किया था। इससे पहले मैं न्यासा के डब्बे यूज़ कर रही थी जो कि राउंड शेप के होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करते हैं, उनको आसपास हम रख देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो होता है वो वेस्ट हो जाता है। इस टाइप के रेक्टेंगुलर जो शेप के कंटेनर्स होते हैं ना,
तो वो स्पेस कम घेरते हैं और देखने में भी काफी अच्छे लगते हैं। इस तरीके से आप इसको रखते हैं तो देखिए बिल्कुल भी स्पेस वेस्ट नहीं हो रहा है, और आप चाहे तो आप एक के ऊपर एक स्टैक करके भी इनको रख सकते हैं। तो मुझे ये काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे, बहुत पसंद आ रहे थे, और ये छोटे बड़े का जो कॉम्बिनेशन है वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और देखने में ये बहुत ही ज्यादा सुंदर और क्लासी लग रहे थे और मैचिंग मैचिंग लग रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि रंग बिरंगे डिब्बे कहीं 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 ऐसा नहीं लग रहा था कि रंग बिरंगे डिब्बे कहीं कहीं से परचेज कर लिए। तो बहुत ही सुंदर सा ये सेट लग रहा था। तो मैंने 12 ये छोटे वाले कंटेनर्स मंगाए हैं और 12 ये बड़े वाले कंटेनर्स मंगाए हैं। ये वाले कंटेनर्स तो मेरे सारे ही यूज होने वाले हैं, मुझे पता है। ये छोटे वाले जो है वो कम क्वांटिटी में यूज होंगे। तो आपको ये कंटेनर्स कैसे लगे वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी अपनी किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए या फिर किचन का मेकओवर करने के लिए कुछ इस तरह के कंटेनर्स ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आप इनको ले सकते हैं। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आए और मैं आपको इन्हें हाईली रिकमेंड करती हूँ। और ये वाले कंटेनर भी अनब्रेकेबल हैं, फूड ग्रेड प्लास्टिक के बने हैं और फ्रीजर सेफ है, इनको आप ओवन में यूज़ नहीं कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको मेरा ये मीशो हॉल पसंद आया होगा। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा या कौन सा प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा। इन सभी प्रोडक्ट्स के बाइंग लिंक्स या फिर इनके कोड्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप चाहें तो वहां से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने मीशो से और भी प्रोडक्ट परचेज किए हैं जो कि डिफरेंट कैटेगरी से हैं, तो उसका हॉल भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।